फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अलका फैशन। आज मैं आपको डेली वेयर के कपड़ा वॉशिंग मशीन में धोने का पूरे डेमो दिखाऊंगी और फिर फंक्शंस भी समझाऊंगी कि क्या क्या फंक्शंस है। ये एलजी का स्मार्ट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। 5 रेटिंग है और मोटर की 10 साल वारंटी है। बहुत ही अच्छी है। इसमें कपड़ा धोने के लिए आप यहाँ पर वाटर लेवल दिया हुआ है, दूसरा में प्रोसेस है और थर्ड में यहाँ पे है प्रोग्राम। प्रोग्राम से आप 1 से लेकर 8 तक यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, तो आप इसे कपड़े अलग अलग धोने का सारे फंक्शन से तो आप धो सकते हो। और यहाँ पे आपको कपड़ा की क्वांटिटी के अनुसार यहाँ पे वाटर लेवल सेट करना है, 1 से 8 तक है। प्रोसेस में स्पिन या फिर आप रिंग कर रहे हो कपड़ा धोने के लिए, प्रोसेस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे प्रोग्राम में आप 1 से 8 तक यहाँ पे बटन दिया हुआ है, तो आप क्लिक कर सकते। फर्स्ट में है नॉर्मल वॉश, यानी कि इसमें आपका वॉश भी होगा, रिंग भी होगा, स्पिन भी होगा, तीनों होगा। लगभग 54 से 56 मिनट तक लगते हैं, तो इसमें आप डेली वेयर के कपड़े धो सकते हैं। सेकेंड में है जेंटल उल, यानी कि साड़ी और आप उलन कपड़े धो सकते हैं। थर्ड में है क्विक वॉश, 2 kg से कम कपड़े हैं, यानी कि 4 से 5 कपड़े हैं तो ही आप क्विक वॉश में धोएं, नहीं तो इसे क्या होगा कि कपड़े अच्छे से नहीं धुलेंगे ज़्यादा कपड़ा डालने से। तो आपको 4 या 5 कपड़े ही इसमें धोने हैं। इसमें भी आपको वॉश, रिंग एंड स्पिन तीनों होता है। और स्ट्रॉन्ग में जीन्स या चादर उदर आप धो सकते हैं। यहाँ पे है प्री वॉश प्लस नॉर्मल, यानी कि छोटे बच्चे बहुत ही कपड़े गंदे करते हैं तो इसमें 2 बार धुलते हैं। और यहाँ पे 6 में है एक्वा रिजर्व, यानी कि आप यहाँ पर कपड़े धुल जाएंगे, खंगला जाएंगे, लेकिन इसमें पानी नहीं निकलेगा, पानी इसमें स्टोर रहेगा, फिर से आप इस पानी को यूज कर सकते हो। और रिंग्स में आपको कपड़े रिंग्स होंगे प्लस, और यहाँ पे टब क्लीनर है। तो यहाँ पे टब क्लीन करने के लिए 2 से 3 महीने में एक बार टब को क्लीन करना होता है, उसके लिए अलग से डिटर्जेंट आते हैं, तो आप उसे ऑनलाइन परचेज करके यहाँ पे 3 महीने में एक बार ज़रूर टब को क्लीन करें, नहीं तो इसमें गंदगी बढ़ जाएगी और आपका वॉशिंग मशीन ख़राब हो सकता है। तो आपको टब क्लीन करने के लिए 2 से 3 महीने में एक बार ज़रूर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल वॉश के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े डाल दिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, डोर को खोलना है। डोर खोलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कपड़े मैंने डाल दिए हैं, 10 से 11 कपड़े हैं। और यहाँ पे सर्फ डालने के लिए दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे सर्फ डाल दिया है। और आपको इसे क्या करना है, बंद कर लेना है, फिर डोर को लॉक करना है। लॉक करने के बाद आप क्या करें, यहाँ से स्विच को ऑन करें और नल को यहाँ खोल दें, ठीक है। और नल खोलने के बाद यहाँ करना है आपको पावर को ऑन। पावर ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे वाटर लेवल सेट करनी है, तो मैं यहाँ पे 6 वाटर लेवल सेट कर रही हूँ। और उसके बाद प्रोग्राम को यहाँ पे प्रोग्राम क्लिक करना है कि आप नॉर्मल कपड़े धोने के लिए, जैसे कि आप डिलीवर के कपड़े नॉर्मल पे धो लेंगे, तो यहाँ पे 1 क्लिक कर दिया है और यहाँ पे स्टार्ट का बटन दिया है, यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं। अब मशीन अपना वाटर ले लेगा और उसके बाद सर्फ वाटर से नीचे आ जाएगा और उसके बाद कपड़ा धोने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मशीन अपने आप को सेट कर रहा है और यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 46 मिनट हो गया है, तो कपड़ा 46 मिनट धो जाएंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सर्फ और पानी मशीन दोनों मिक्स करके ले लिया है, कपड़ा धुलने शुरू हो गए हैं। अब आप देखें 46 से 43 मिनट बाकी है, तो 43 मिनट में ये कपड़ा धुल भी जाएगा, खंगला भी जाएगा और सूख भी जाएगा। लगभग 80% तक कपड़े सूख जाते हैं मशीन में। देखो, तो मेरा ये कपड़ा यहाँ पे छूट गया था, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस बटन ऑफ कर दूँगी। देखिए मशीन बंद हो गया है। अब मैं यहाँ से छूटे हुए कपड़े को फिर से इसमें डाल सकती हूँ और फिर डोर को बंद करके यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए मशीन फिर से वही टाइम शुरू कर दिया है और यहाँ से देखिए पानी कम पड़ रहा है, तो पानी लेकर फिर से कपड़ा धुलने लगेंगे। तो मैं आपसे मिल रही हूँ 42 मिनट बाद कि कपड़ा कैसे धुल कर सूख भी जाता है। फ्रेंड्स, जब मशीन से बीप बीप की आवाज़ आने लगे तो समझिए कि वॉश, रिंग एंड स्पिन जो है कंप्लीट हो चुका है। और आप यहाँ से ऑफ कर दीजिए। पावर ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से स्विच को ऑफ करने हैं और उसके बाद नल को बंद करने हैं। उसके बाद डोर को खोलिए और उसके बाद देख सकते हो आप बहुत ही अच्छे से कपड़े धुल गए हैं, लगभग 80% कपड़े सूख गए हैं। अब आप इसे हल्का सा धूप दिखा दीजिए, बस 1 से 1.5 घंटे में ही सारे कपड़े जो है बहुत ही अच्छे से सूख जाएंगे।
तो आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी अभी मशीन खरीदी है किसी भी तरह की, अगर आपको कपड़ा धुलने में दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।